हेलो स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस एक्सरसाइज 4.3, 4.1 एंड 4.2 आर सॉल्व इन लास्ट वीडियो. सो लेट मी स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 4.3 एक्सरसाइज इज ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. x plus y is equal to 4, x minus y is equal to 2, y is equal to 3x and 3 is equal to 2x plus y. Okay, so we take first part. The first part is x plus y is equal to 4. ओके हम क्या करेंगे, जबकि हमें ग्राफ शो करना है, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. ओके हमने यहाँ y की वैल्यू फाइंड आउट की, क्या आई 4 माइनस एक्स. ओके नाउ अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे कुछ भी और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. ओके देखिए, अगर हम x को लेते हैं 0, ठीक है, x को हमने 0 पुट किया तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 मीन्स 4. अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 3. अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 मीन्स 2. और अगर हमने x को 3 लेते हैं तो y क्या आ जाएगा, 1. मीन्स हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले, अगर x 0 है तो y 4, अगर x 1 है तो y 3, x 2 है तो y भी 2 और x 3 है तो y 1. ओके नाउ वी प्लॉट दीज पॉइंट्स इन दी ग्राफ पेपर. सो हाउ वी प्लॉट दीज पॉइंट्स एट ग्राफ पेपर, वी टेक x एक्सिस एंड y एक्सिस. वी पुट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x एक्सिस इन राइट साइड एंड नेगेटिव इन लेफ्ट साइड. एंड एज y एक्सिस द पॉजिटिव वैल्यूज अपर साइड एंड नेगेटिव वैल्यूज डाउन साइड. ओके सो वी प्लॉट एट 0, मीन्स x हैव 0 वैल्यू. सो 0 इज हेयर, हेयर x एंड y बोथ आर 0. ओके सो x 0 एंड y 4, सो हेयर द वैल्यू 0, 4. नाउ सेकेंड पॉइंट, x इज 1, y इज 3. x इज 1, y इज 3, सो हेयर इज 1, 3. x इज 2 एंड y इज ऑल्सो 2, दैट इज 2, 2 पॉइंट. एंड x इज 3 एंड y इज 1, सो दैट इज द पॉइंट 3, 1. नाउ जॉइनिंग दीज पॉइंट्स वी हैव ए लाइन दैट रिप्रेजेंट x प्लस y इज इक्वल टू 4. ओके नाउ यू कैन सोल्व पार्ट सेकेंड एंड थर्ड योर सेल्फ. नाउ लुक फिफ्थ फोर्थ पार्ट इज 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y. सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, सो वी टेक 2x इन लेफ्ट साइड. सो वी हैव y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x. ओके नाउ वी प्लेस द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लेस x 0, सो y बिकम्स 3 माइनस 2 इंटू 0 मीन्स 3. वैन वी टेक x इज इक्वल टू 1, वी हैव y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 मीन्स 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. वैन वी प्लेस x 2, दैट्स y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, y इज माइनस 1. सो वी हैव पॉइंट्स x 0, y 3, x 1, y 1, x 2, y माइनस 1. नाउ वी प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ग्राफ सिमिलरली एज फर्स्ट पार्ट. x इज 0, देन y इज 3. x इज 1, देन y इज ऑल्सो 1. x इज 2, देन y इज माइनस 1. माइनस वैल्यू इज डाउन साइड, सो 2 माइनस 1. नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड लाइन. ओके नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड y. हमें बताना है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो, 214 हो, जो पॉइंट्स होंगे 214 वहाँ से पास होने वाली लाइंस सॉल्यूशन जिसका है वो इक्वेशंस क्या होंगी और क्या वो एक से ज़्यादा लाइंस आपकी हो सकती हैं. ठीक है, तो हमें पता है जब लाइन पास हो रही है 214 से तो 214 क्या है, सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का. ओके सो वी टेक 214
इज ए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x माइनस y इज इक्वल टू 0, बिकॉज वी पुट वैल्यू 214 एज x एज 2, सो 7 टू जा 14, माइनस y इज 14, देन 14 माइनस 14 0, ओके, सो 214 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. बट 214 इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल्सो x प्लस y इज इक्वल टू 16, बिकॉज देन वी पुट x value 2 and y 14, we get 16 equals to 16, and 2x plus y is equal to 18, when we put 2 plus y 14, 2 to the 4, 14 plus 4, 18, so it also satisfied. 7x plus y is equal to 28, we put 7 into 2 plus 14, 14 plus 14, 28, means 214 is the solution of infinite or lines of equations. Okay. Now, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3yax plus 7, find the value of a. हमें पता है अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है, मींस अगर उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करता है. ओके, सो वी टेक 3yax plus 7 and 3, 4 इज द सॉल्यूशन. सो वी प्लेस द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. सो वी हैव 3 इंटू y, y इज 4 इज इक्वल टू a इंटू x इज 3 प्लस 7, means 12 is equal to 3a plus 7, then 3a equals to 5, then a equals to 5 by 3. So, 4 value a is equal to 5 by 3, 3, 4 lie on the graph on equation 3y is equal to ax plus 7. Okay. Now, your fourth question is, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer, the fare is rupees 8. And for the subsequent distance, it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as rupees y, write a linear equation for this information and draw its graph. What is the question? The question is that the taxi fare is given in a city, that when we travel first kilometer, we have to pay 8 rupees, and we travel one first kilometer, then distance taken 5 rupees per kilometer. अगर हम 1 kilometer तक ही जाते हैं तो हमसे 8 रुपये लिए जाते हैं, लेकिन 1 kilometer के बाद अगर हम 1 kilometer भी और जाते हैं तो 5 rupees per kilometer दिया जाता है. अगर आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की x किलोमीटर और टोटल फेयर आपने दिया y रुपीज़, तो लीनियर इक्वेशन लिख लिए इसको, इस इंफॉर्मेशन के लिए, और इसका ग्राफ शो कीजिए. सो देखिए आपके पास क्या है, टैक्सी फेयर 1 किलोमीटर के लिए कितना है, 8 रुपीज़ है, और सबसीक्वेंट मींस एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए क्या है, पर किलोमीटर 5 है. टोटल फेयर आपने कितना दिया, y दिया, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, x की. तो इसके लिए आपकी इक्वेशन क्या होगी, टोटल जो आपने फेयर दिया है, दी फेयर फॉर टोटल डिस्टेंस, आपने y रुपी दिया है. अब फेयर किसके इक्वल होगा, आपने x किलोमीटर ट्रेवल किया है तो फर्स्ट किलोमीटर आप गए तो आपने 8 रुपीज़ देने होंगे, प्लस अब x में से 1 किलोमीटर आप चले गए, टोटल और डिस्टेंस कितनी बची, x माइनस 1, जिसमें 1 किलोमीटर के लिए कितना पे करोगे, 5, तो x माइनस 1 के लिए कितना पे करोगे, 5 इंटू एक्स माइनस 1. ओके, सो दैट इज y इक्वल्स टू 8 प्लस 5x माइनस 5, सो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, दैट इज द इक्वेशन 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0. Okay, now we take y equals to 5x plus 3 and we find the solutions. We place values of x 0, then y 3, when x is 1, then y is 8, x is minus 1, then y is minus 2. So we have these points. Now you can plot the points on graph paper, okay, and get the required graph. Now your fifth question is, from the choices given below, choose the equation whose graph are given in figures. Okay,
यू आर गिवन टू फिगर्स 4.6 एंड 4.7 एंड सम सॉल्यूशंस आर गिवन सो यू हैव फाइंड आउट दैट हु इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ. ओके सो व्हेन वी कैन से दैट इट इज द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ दैट इक्वेशन on putting the point on that equation if the equation satisfies so we can say that it is the solution of that graph. So there are points -1, 1, 0, 0 and 1, -1 in first graph. So we place the values of these points in these equations then we can choose that who is the correct equation of this graph. In figure A these are points of figure. Okay, so in first part the equation is given y equals to x so we plot these points y is 1 then x minus 1 that's are not equal okay and second 0 equals to 0 that satisfy 1 not equals to minus 1 so not satisfy so this is not the equation of this graph. Second is x plus y is equal to 0. So we place -1 + 1, 0. That satisfy. 0 + 1, 0. That's 0. It is also satisfy. 1 - 1, 0. 0 equals to 0. This satisfy all points. Okay. Now third point y equals to 2x. So 1 equals to 2 into -1 - 2. That's are not equal. Second 0 = 2, 0 = -1 = 2 × x, 1 so -1 = 2 that's not satisfied and in fourth we place 2 + 3y = 7x so point 1 - 1 so 2 + 3 × 1 = 7 × -1 that's 5 and that is -7 they are not equal. Second is 0 0 so place 2 + 3 × 0 = 7 × 0 so 2 is not equals to 0 and the last 2 + 3 × -1 = 7 × 1 2 - 3 = 7 - 7 is not equal to 7 that is this is not satisfied. So in four equation the second equation is that where all the points satisfy the condition. So who is the correct equation of graph x plus y equals to 0. Okay. Similarly you can solve B part of question 5. Now your sixth question is if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this is in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking constant force as 5 units. Also read the graph and work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. What is say that if the work done by a body, agar kisi body ke dwara kiya gaya work, uski constant force ki kya hai? Directly प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस वे में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपका क्या होगा रेशियो इक्वल होता है वन के इक्वल होता है ठीक है देन आपको क्या करना है टू वेरिएबल्स में इसको शो करना है ओके अगर आपका कांस्टेंट फोर्स क्या है 5 units है और उसका शो करने के बाद ग्राफ आपको वैल्यू निकालनी है किस पर 2 units पर और 0 units पर ओके अब देखिए अगर हम इसमें लेते हैं लेट एक्स बी द डिस्टेंस एंड वाई बी द वर्क डन देन इक्वेशन क्या होगी वर्क डन आपका वाई है डिस्टेंस कितनी है क्या आ जाएगी 5x ओके तो इक्वेशन आपके आगे y इक्वल्स टू 5x देन आप क्या करोगे फाइंड दी फोर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड प्लॉट द ग्राफ इसमें x की वैल्यू पुट करोगे x 1 पुट करो 2 करो 3 करो देन आपकी क्या आ जाएगी y की वैल्यूज आ जाएगी उसको प्लॉट करोगे किस पर ग्राफ पेपर पर ओके और ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके आपके पास 2 यूनिट और 0 यूनिट के लिए उसकी वैल्यू आ जाएगी ओके. नव आपका 7 क्वेश्चन है
यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा. यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशंस एज ₹X एंड ₹Y, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम. तो आपको क्या पता है इसमें क्या गिवन है कि यामिनी और फातिमा टू स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए कितने रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं, 100 किए हैं. तो लीनियर इक्वेशन उसके लिए लिखी. ओके सो देखिए, इफ़ वी टेक लेट यामिनी एंड फातिमा कंट्रीब्यूटेड ₹X एंड Y टुवर्ड्स द फंड, मीन्स यामिनी कंट्रीब्यूट ₹X एंड फातिमा कंट्रीब्यूट ₹Y. सो दोनों ने मिलकर कितने ₹ कंट्रीब्यूट किए, 100, मीन्स X और Y दोनों मिला के कितने होंगे, 100 होंगे. सो इक्वेशन क्या हो गई, X प्लस Y इक्वल्स टू 100. ओके तो Y कितना आ गया, 100 माइनस X. नाउ हम क्या करेंगे, X की वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट की तो Y 100 आ गया, X 50 पुट किया Y 50 आ गया, X 100 पुट किया Y 100 आ गया. इनको हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं. ओके नाउ क्वेश्चन 8 वी विल डू इन नेक्स्ट असाइनमेंट. थैंक यू.